नेशनल एम्ब्लम जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोका। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है जिसमें चार आशियाई शेर एक दूसरे के विपरीत चार दिशाओं में खड़े होते हैं। एशियाटिक लायंस ऐसे लायन होते हैं जिनके चेहरे के चारों तरफ लंबे घने बाल होते हैं। नीचे बीच में एक चक्र, बाईं तरफ दौड़ने वाला घोड़ा और दाईं तरफ एक बैल होता है। जी हाँ, आप यही राष्ट्र प्रतीक हमारे नोट और सिक्कों में भी देख सकते हैं। चलिए अब इसका उच्चारण सीखते हैं। लायन कैपिटल ऑफ अशोक में चार शब्द हैं। इसके लिए पहले बोलें लायन, फिर कैपिटल के लिए बोलें कैपी और उसमें जोड़ दें टल, बन गया कैपिटल। फिर बोले ऑफ और फिर बोले अशोका। लायन कैपिटल ऑफ अशोका। वापस दोहराएं, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। फिर से लायन कैपिटल ऑफ अशोका। फिर से बोले लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोक स्तंभ शताब्दी से 250 ईसा पूर्व सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। पहले ही दिसंबर 1947 में ही इसे राष्ट्रीय चिन्ह मान लिया गया था जब भारत गणराज्य नहीं हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। इसका उद्देश्य है सत्य में उजयते अर्थात सत्य की विजय हो, जो कि हिंदू वेद के एक भाग मुंडक उपनिषद से लिया गया है। संविधान के पहले पन्ने पर हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है। आपको मालूम है ये किसने बनाया था? ये हाथ से बनाया गया चिन्ह है और इसे बनाया था दीनानाथ भार्गव ने, और यह भारतीय मुद्रा पर भी अंकित रहता है, भारतीय पासपोर्ट पर भी यह अंकित रहता है। लेकिन इसका उपयोग कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई व्यक्ति समुदाय वगैरह आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। स्तंभ में ये चार शेर जो एक के पीछे एक स्थित हैं, ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं। इन चार शेरों के आधार में आपने देखा होगा कि एक घोड़ा, एक बैल, एक शेर और एक हाथी है जिनके प्रत्येक के बीच में धर्म चक्र बना हुआ है। घोड़ा भारत के पश्चिम में प्रसिद्ध है, हाथी पूर्व में, शेर उत्तर में और बैल दक्षिण में प्रसिद्ध है, और ये सब एक खिले हुए कमल पर स्थित है जिनकी पंखुड़ियाँ बाहर की तरफ नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, जो जीवन में विनम्रता और रचनात्मकता को प्रेरणा देती हैं। और आपको मालूम है ये सब एक ही पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है। उसमें तीन ही शेर दिखाई देते हैं, पीछे वाला नहीं दिखता है। सत्यमेव जयते बाद में जोड़ा गया था।